नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। जैसा कि सभी को पता है कि हरियाणा सरकार द्वारा कुछ दिन पहले हैप्पी कार्ड योजना चलाई गई थी, और वो हैप्पी कार्ड योजना क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। बस 2 मिनट की वीडियो होगी। हैप्पी कार्ड योजना जो है हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई थी माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये योजना चलाई थी, जिसमें हरियाणा के जितने भी जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है वो हैप्पी कार्ड बनवा सकते थे। और ये हैप्पी कार्ड है क्या, हैप्पी कार्ड के बनने के बाद हरियाणा के जितने निवासी हैं जिनके हैप्पी कार्ड बन जाते हैं वो 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकते हैं हरियाणा रोडवेज में। चाहे आपको कहीं भी जाना है, 1000 किलोमीटर तक आप फ्री में यात्रा कर सकते हो। और ये जो योजना है ये 6 जून को माननीय श्री नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री, उन्होंने अब इसको हरी झंडी दिखा दी है, और 6 तारीख से इस योजना के तहत फ्री यात्रा शुरू हो चुकी है। तो जिन साथियों ने अब तक हैप्पी कार्ड नहीं बनवाए वो जाकर हैप्पी कार्ड बनवा सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ आपको आपकी फैमिली आईडी चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो जरूर साथ में चाहिएगा, क्योंकि उसी के द्वारा ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन होगी। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो आपका डिपो लगता है वहां पर ये कार्ड आपको उपलब्ध होगा। बकायदा आपके पास मैसेज आएगा, फोन आएगा कि आपका जो हैप्पी कार्ड है वो बन चुका है और आप आकर कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिएगा, एक तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक प्रिंट निकालना होगा, वो प्रिंट आपको चाहिएगा साथ में। आपकी फैमिली आईडी और एक आईडी कोई भी, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो, वो आईडी चाहिएगी। और साथ में आपको देने होंगे 50 रुपये और आपको हैप्पी कार्ड जो है वो मिल जाएगा, और आप हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर पाओगे। तो जो योजना हरियाणा सरकार दे रही है उन योजनाओं का लाभ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो योजनाएं सरकार चलाती है हम उनको अप्लाई नहीं करते हैं। अगर मैं अपने खुद के गांव की बात करूं, लगभग 80% लोगों ने हैप्पी कार्ड नहीं बनवाए। क्यों? क्योंकि उनका यही कहना होता है कि कहीं जाना तो है नहीं है, क्या करेंगे बनवा के। यार अगर नहीं जाना है और फ्री में बन रहे हैं तो बनवा लो, बनवाने में क्या जाता है, हो सकता है कहीं जाना पड़ जाए। जो 50 रुपये आप दोगे उसका कई गुना आप वसूल सकते हो, तो बनवा लेने चाहिए। और एक और खुशखबरी हरियाणा वासियों के लिए, जो सभी को पता भी होगा कि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अनाउंसमेंट की है कि जो 2009 में कांग्रेस सरकार द्वारा जो प्लॉट अलॉट करवाने थे 100-100 गज के प्लॉट, कई गांवों में क्या हुआ, ये प्लॉट जो है मिल चुके हैं, लेकिन कई गांवों में सिर्फ लिस्टों में नाम ही आ रहे हैं लेकिन प्लॉट नहीं मिले अब तक। न प्लॉट मिले, न उनकी रजिस्ट्रियां हुई, न जगह का पता ही कहाँ कटेंगे कहाँ नहीं कटेंगे, लेकिन कागजों में कट हुए हैं बस। यहाँ कागजों में प्लॉट थे जो वो कट चुके हैं, लेकिन धरातल पर जमीन नहीं दी गई, न रजिस्ट्रियां दी गई। तो इस योजना के तहत जिन जिनको अभी तक प्लॉट नहीं मिले और लिस्टों में नाम आ चुके हैं, आज सोमवार है, आज से ही प्लॉट देने शुरू कर दिए हैं। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है कि जो जो लोग अभी तक इन 100-100 गज के प्लॉटों से वंचित हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब लगभग 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर सभी को प्लॉट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और सभी की रजिस्ट्रियां जो है उनके हाथों में होगी। ये भी बहुत अच्छी खबर है। और उनके लिए भी एक खबर है जिनके नाम लिस्टों में नहीं आए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम लिस्टों में नहीं आए होंगे, तो लिस्टों में जिनके नाम नहीं आए उनके लिए भी खबर है
कि हरियाणा सरकार एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है जिस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिस जिसके प्लॉटों में नाम नहीं आ रहे, 100 100 गज के जो प्लॉट मिलने थे उनमें नाम नहीं आए और लोग बिल्कुल उदास हो चुके हैं कि मेरा नाम नहीं आया, उसका नाम आ गया, उसका आ गया, लेकिन मेरा नहीं आया। इसी कारण हम क्या करते हैं, कुछ गलत कदम उठा देते हैं। अगर मैं अपने गांव की बताऊं, अपने गांव की, तो मेरे गांव में ऐसा ही हुआ था। एक दो आदमी थे जिनके नाम नहीं आए थे, उन्होंने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया कि जी जिसके नाम नहीं आया आ जाओ इकट्ठे होते हैं, और रोड जाम कर दिया। रोड जाम करने के बाद स्टे लग गया, 2009 से 2024 आ चुका है, अब तक वो प्लॉट नहीं कटे और अब उम्मीद है कि हाँ कट जाएंगे, क्योंकि सरकार द्वारा अच्छी पहल की गई है। और इस बार सरकार ने इसी समस्या को देखते हुए कि लोग विरोध न करें कि हाँ उनको मिल गया हमें नहीं मिला है, या हम नहीं कटने देंगे, या तो सभी को मिले या फिर किसी को भी ना मिले, ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं। तो उन सबको देखते हुए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो अभी एक दो दिन में हो जाएगा। जिनके नाम लिस्टों में नहीं है वो अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि हाँ हमें प्लॉट में नाम नहीं आया है, और वो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि ये प्लॉट कटने के बाद उनको भी आगे प्लॉट दिए जा सकें। तो दो तीन योजनाएं थी, इनके बारे में आपको बताया है। अभी एक दो दिन के अंदर ही ये पोर्टल जो है लॉन्च हो जाएगा। जिन जिन लोगों के, जिन साथियों के नाम 100 100 गज के प्लॉटों की लिस्ट में नहीं आ रहे, वो 2 या 3 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको फैमिली आईडी चाहिए होगी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, 3 4 आईडियां लगेंगी। ये आईडियां आपको लेके जानी होंगी, किसी भी सीएससी सेंटर से जाके आप ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और हैप्पी कार्ड जो मैंने शुरू में बताया था, इसका लाभ जरूर लें। ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और 6 तारीख से, 6 जून से ही बसों में फ्री यात्रा शुरू भी हो चुकी है। और हैप्पी कार्ड के ऊपर अगर आपको कहीं लंबी यात्रा करनी है तो बुकिंग का भी प्रावधान है, सीट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको बकायदा सीट मिलेगी। और ये सिर्फ इन बसों के लिए नहीं है, एसी और नॉन एसी दोनों बसों के लिए है। अगर कहीं पर एसी बस भी जाती है आप उसमें भी फ्री यात्रा कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, जितने साथी हमारे जुड़े हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ जुड़े और मेरी बात सुने। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।